जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने ओलंपियंस के बारे में जो टोक्यो ओलंपिक में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दुनिया का जो सबसे बड़ा कंपटीशन है वो है ओलंपिक, और हर एथलीट का सपना होता है ओलंपिक खेलना। उसी सपने को पूरा करने के लिए हमारे एथलीट्स देश को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आज इस वीडियो में सिर्फ एथलेटिक्स में जाने वाले सभी एथलीट्स के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा और इसमें लगभग 11,000 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जो कि 33 स्पोर्ट्स के 330 इवेंट में हिस्सा लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे तीन रेस वॉकर जो कि 20 किलोमीटर रेस वॉक में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संदीप कुमार जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं और 20 किलोमीटर रेस वॉक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन्हीं के नाम नेशनल रिकॉर्ड भी है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हुए नेशनल रिकॉर्ड बनाया था जो था 1 घंटे 20 मिनट 16 सेकंड। इन्होंने रियो ओलंपिक में भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी और 35वें स्थान पर रहे थे, परंतु तब ये 50 किलोमीटर रेस वॉक करते थे और भारत को रिप्रेजेंट किया था। इसी के बाद में जो सेकेंड नाम आता है केटी इरफान जो कि 20 किलोमीटर रेस वॉक में संदीप कुमार के साथ भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। इन्होंने क्वालिफाई करते हुए 1 घंटा 20 मिनट 21 सेकंड का टाइम निकाला था। इन्हीं का रिकॉर्ड था पहले लंदन ओलंपिक में 1 घंटा 20 मिनट 21 सेकंड का टाइम लगाकर ये 10वें स्थान पर रहे थे। इन्हीं के बाद जो हमारे तीसरे एथलीट हैं राहुल रोहिला जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं और 20 किलोमीटर रेस वॉक में संदीप और इरफान के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन्होंने 1 घंटा 20 मिनट 26 सेकंड का टाइम निकालते हुए टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। इसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट एथलीट आते हैं अविनाश सावले जो कि 3000 मीटर स्टीपल चेज में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इन्होंने क्वालिफाई करते हुए नेशनल रिकॉर्ड लगाते हुए 8 मिनट 20 सेकंड 20 माइक्रो सेकंड का टाइम निकाला था। इनसे भारत को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ये बहुत सुर्खियों में हैं, इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, इसलिए भारत को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इनसे। हमारे नेक्स्ट एथलीट हैं नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और ये हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इन्हीं के नाम पे नेशनल रिकॉर्ड भी है 88.07 मीटर, और इन्हीं के नाम पे अंडर 20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जो है 86.48 मीटर। इनसे भारत को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट एथलीट हैं शिवपाल सिंह जो कि नीरज चोपड़ा के साथ मिलकर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे जेवलिन थ्रो में। शिवपाल सिंह यूपी के बनारस से बिलोंग करते हैं और इनका पर्सनल बेस्ट है 86.23 मीटर। हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं कमलप्रीत कौर जो कि पंजाब से बिलोंग करती हैं और डिस्कस थ्रो में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, और इन्हीं के नाम पे नेशनल रिकॉर्ड भी है 66.59 मीटर। इन्होंने ये रिकॉर्ड टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई करते हुए बनाया था। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं वो हैं सीमा पुनिया जो कि हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। ये भी कमलप्रीत कौर के साथ डिस्कस थ्रो में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी, और सीमा पुनिया ने क्वालिफाई करते हुए 63.72 मीटर थ्रो लगाया था। इसके बाद हमारे नेक्स्ट एथलीट हैं तेजिंदर पाल सिंह तूर जो कि शॉट पुट में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। इन्हीं के नाम पे नेशनल रिकॉर्ड भी है और पिछले कुछ सालों से ये इंजरी में थे, बट अभी इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं भावना जाट जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं और 20 किलोमीटर रेस वॉक में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। इन्होंने क्वालिफाई करते हुए 1 घंटा 28 मिनट 54 सेकंड का टाइम निकाला था। उन्हीं के साथ एक और एथलीट प्रियंका गोस्वामी जो कि यूपी के मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हैं और 20 किलोमीटर रेस वॉक में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी करंट में इन्हीं का इंडिया रिकॉर्ड है जो 1 घंटा 28 मिनट 45 सेकंड है। फिर हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं मुरली श्रीशंकर जो कि लॉन्ग जंप में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, और इन्हीं के नाम पे अभी नेशनल रिकॉर्ड भी है 8 मीटर 26 सेंटीमीटर। ये केरला से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है 4x400 मीटर मिक्स रिले जिसमें 2 वोमेंस और 2 मेंस पार्टिसिपेट करेंगे। 2 वोमेंस हैं वीके विस्मया और जिस्ना मैथ्यू, और 2 मेंस हैं मोहम्मद अनस
और निर्मल नोहा। मोहम्मद अनस के नाम पर 400 मीटर का इंडिया रिकॉर्ड भी है और ये चारों के चारों एथलीट केरला से बिलोंग करते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं वो हैं अन्नू रानी, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से बिलोंग करती हैं। ये भारत की पहली महिला हैं जो जेवलिन थ्रो में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। इन्हीं के नाम पर नेशनल रिकॉर्ड भी है 63.24 मीटर। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट टीम है 4x400 मीटर रिले टीम, जिसमें अमोद जैकब, आरोकिया राजीव, मोहम्मद अनस और नोहा निर्मल इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। और दोस्तों हमारे लास्ट पार्टिसिपेंट हैं एमपी जबीर, जो कि 400 मीटर हडल्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और ये केरला से बिलोंग करते हैं। इनका पर्सनल बेस्ट है 49.13 सेकेंड। तो दोस्तों ये थे हमारे इंडियन एथलीट्स जो टोक्यो ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और भारत देश का नाम रोशन करेंगे। तो दोस्तों जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है वो 99% सही है और इसमें जो भी बदलाव आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है कि हमारे कितने एथलीट्स इस बार टोक्यो ओलंपिक में जा रहे हैं उन्हें पता चल सके। जय हिंद, जय भारत।